परम श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मैं प्रणाम करते हुए, आदरणीय दीदी जी के चरणों में नमस्कार करते हुए, मैं आप सबको अपने दिल से अभिवादन करता हूं। मैं पहली बार आप सब लोगों से मिल रहा हूं और मुझे पता नहीं था कि हमारे पास इतनी सारी मुख्य योग शिक्षिकाएं हैं। इतनी मुख्य हैं तो फिर इनके नीचे और कितनी सारी होंगी। तो आप सबके लिए एक बार जोर से ताली बजाते हैं। और जैसे पूज्य स्वामी जी हर बार कहते हैं कि ताली बजाने से अंदर से बहुत खुशी आती है, बीमारियां कम हो जाती हैं, तो फिर उस खुशी के लिए एक बार दोबारा ताली बजा लेते हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? तो जनरली जो मेरे प्रेजेंटेशन होते हैं, जहां मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ और विज्ञान के बारे में बताता हूँ कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और कहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो मेरे पास एक स्लाइड डेक है, मतलब कुछ प्रेजेंटेशन के हिस्से हैं जो आपको दोनों तरफ दिखाई देंगे, जहां हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे उस विज्ञान के बारे में, थोड़ा सा इजी समझने का प्रयास करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारी औषधियां कैसे काम करती हैं, हम औषधियों के ऊपर रिसर्च कैसे करते हैं और उनको आगे लेके कैसे चल सकते हैं, कौन कौन सी औषधियां हैं और कितने टाइप की औषधियां हैं, किस बीमारी पे, शरीर के कौन से अंग पे वो काम करती हैं, वो भी हम थोड़ा समझेंगे। आपके हाथ में ये जो फ्लायर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश में है, जिनका नाम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, उसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम काम कैसे करते हैं और बाद में फिर इसी कागज के ऊपर जाएंगे, इसको मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा और एक एक अंक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ताकि जब आप लोगों से मिलें जिनसे आप योग के बारे में बताते हो, जिनको कुछ और भी तकलीफ हो, जिनको आपको औषधियां के बारे में थोड़ा सा इंडिकेट करना हो, तो फिर आपको भी आसानी रहेगी और रोगी को भी बीमारी समझने में सुविधा रहेगी। ठीक है, तो शुरू करें फिर। और एक बार ताली बजा लेते हैं और अब चलते हैं हम आगे रिवर्स की तरफ। आप जो स्लाइड पे देख रहे हैं, इसका जो टाइटल है वो है एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड नेचुरल ड्रग डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कैसे हम दवाइयों का विकास कर सकते हैं, नई दवाइयों पे काम कर सकते हैं और नेचर, प्रकृति से जुड़े हुए जितने प्रोसेस हैं उनको फॉलो करके उन दवाइयों पे काम कर सकते हैं। और जो उसमें जो कीवर्ड है, जो टाइटल है आज का, वो है रिवर्स इज द न्यू वे फॉरवर्ड। मतलब कि वापस जाना ही एक नया रास्ते की खोजने की एक तरीका हो सकता है। आज हम वो समझेंगे और मेरा उम्मीद है कि जब मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा तब तक शायद आपके पास एक थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी और आपके पास तक ये बात शायद पहुंच पाए कि क्यों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिवर्स इज द न्यू वे फॉरवर्ड। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। बहन बेटिया जी ने थोड़ा आपको बताया होगा PRF के बारे में, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। मैं उससे थोड़ा सा और ऐड करके आगे लेके चलता हूं कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। सो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन इज ब्लेस्ड बाई परम श्रद्धेय स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी, और जो हमारा पूरा काम है वो एक तरीके से लेबोरेटरी वर्क के साथ लिंक्ड है, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये लेबोरेटरी 2017 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। ये अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरीज हैं जो एक मॉडर्न साइंस के और एंशियंट प्रैक्टिस के बीच के गैप को भरने के लिए बनाई गई हैं। ये दुनिया में शायद अपने टाइप की एकमात्र और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं जो रिसर्च करती हैं आयुर्वेदा पे और योगा पर। टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट, मतलब जितने भी हम काम करते हैं, हम लोग एक्चुअली काम कम करते हैं, खेलते ज्यादा हैं। लेबोरेटरी में जितना भी काम होता है हमारा, वो थोड़ा सा खेल खेल वाला ज्यादा होता है। और खेल के लिए आपको चाहिए खिलौने, हमारे खिलौने हैं इक्विपमेंट्स। तो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, तो टॉप ऑफ द लाइन है, सबसे अच्छे खिलौने पॉसिबल होते हैं एक वैज्ञानिक के लिए, वो सब हमारे पास हैं। परम श्रद्धेय आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से वो सब टेक्नोलॉजी हमें उपलब्ध हैं, जहां हमारे दुनिया भर के ट्रेंड साइंटिस्ट, जैसे दीदी जी का कहना था कि इतनी सारी वैज्ञानिकों की टीम, लगभग 500 साइंटिस्ट हैं, जिनमें 150 लगभग काम करते हैं लेबोरेटरी एरिया में, वो सब वर्ल्ड ट्रेंड हैं, दुनिया में अलग अलग जगह से अपनी पढ़ाई करके, पोस्टों करके, एक्सपीरियंस करके, अलग अलग इंडस्ट्री में काम करके अब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में काम करते हैं और ये डे इन डे आउट तरीके से उस पर काम करते रहते हैं। तो ये जो रिसर्च ऑपरेशंस हैं, ये लगभग 24/7 चलते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम 9 से 5 ही काम कर पाते हैं, क्योंकि जो आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं, आपके शरीर की भी जो क्रियाविधि है वो 24 घंटे चल रही होती है, तो रिसर्च में भी आपको उन सबको टैप करना होता है। तो हमारी लेबोरेटरी राउंड द क्लॉक चल रही होती है, कोई ना कोई सज्जन किसी ना किसी वक्त लैब में रहते ही रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो 24 घंटे ही करने होते हैं, जिनके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे। अब हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे फाउंडेशन का लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और हमारा थीम क्या है? तो जो हमारा
काम करने का तरीका है, जो हमारा मिशन है वो है कि हम चाहते हैं कि हम दुनिया भर में जितनी भी बीमारियां हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको रिसर्च और इनोवेशन से, अनुसंधान और नवोन्मेष से, उन दोनों के इस्तेमाल से हम उस पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और उसको करने का जो हमारा विजन है, जैसे पूज्य स्वामी जी श्रद्धे आचार्य जी हर बार बताते हैं कि हम इस पूरे प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर तरीके से आगे लेके चलते हैं। तो जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे पास एक अनस्ट्रक्चर्ड आयुर्वेदिक हर्बल एक इंफॉर्मेशन है जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने कई हजार साल पहले हमें बताई हुई है। वो हर तरफ बिखरी हुई है, कहीं कहीं उसका अच्छा संकलन है और कहीं कहीं वो एक ऐसे तरीके में है कि इसको टैप कर पाना, उसको प्यूरिफाई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस पूरे सब ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करके और जो हमारी हिस्ट्री है मेडिसिनल प्लांट की, हमारे घर घर के जो नुस्खे हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके और एक फनल में, एक कीप में, उसके थ्रू हम अगर लेके जाएं, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, विजडम के साथ, प्रैक्टिस के साथ, अच्छे रिसर्च के साथ, टारगेट हम पहुंचते हैं जहां इसको हम बोलते हैं साइंटिफिकली वैलिडेटेड एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम। मतलब कि एविडेंस बेस्ड एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। पूज्य स्वामी जी पिछले 5 या 6 साल से बहुत जोर से, बहुत अच्छे तरीके से पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि जो दवा हम आयुर्वेद में कह रहे हैं कि अच्छी है, आयुर्वेद के बाहर भी उस दवा को लोग वैसा ही माने, उसके लिए हम एविडेंस जनरेट करते हैं, एक प्रमाण जनरेट करते हैं, एक साक्ष्य जनरेट करते हैं। तो जहां तक बात एविडेंस बेस्ड सिस्टम की है, आयुर्वेद के क्षेत्र में आप सबको ये जान के बहुत गौरव की भी अनुभूति होगी कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के अलावा शायद कोई इतना सारा काम नहीं कर रहा है। तो इस पूरे प्रयास के लिए, इस पूरी धारणा के लिए और इतनी दूरदर्शिता के लिए कि ये काम जो आज हम बता रहे हैं और जहां तक हम पहुंचे हैं, वो 15-16 साल पहले आचार्य श्री स्वामी जी ने शुरू किया था। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो रियली माइंड बॉगलिंग है। तो आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। ये बहुत क्रिटिकल है, जो लोग मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं वो इस चीज को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो भी कुछ प्लान होते हैं, जो भी कुछ लक्ष्य होते हैं, उन पे पहुंचने का एक रास्ता है। वो जो रास्ता है वो ये है कि हमने कैसे शुरुआत की और कहां पहुंचे। जहां आप नीचे देख रहे हैं जो एक पिरामिड का बेस है, जो एक बड़ा चौड़ा बेस है, वहां है इनिशिएशन, मतलब इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत जो की आज के 25-30 साल पहले, जहां दिव्य फार्मेसी की स्थापना हुई, एंशियंट विजडम जो प्राचीन ज्ञान है उसको जो इकट्ठा किया गया और विजनरी लीडरशिप, आचार्य श्री और स्वामी जी का जो जो विजन है, जो उनकी लीडरशिप स्किल है, उस सबको बेस बना के हमने शुरुआत की, इनिशिएट किया, उसके बाद उसको ट्रांजिट किया, मतलब कि उससे लेके आगे बढ़े, कुछ नए नोवल प्रोसेस की स्थापना की, पेटेंटेड मेडिसिन का फॉर्मुलेशन किया और दुनिया भर में बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, इसको लेके एक्चुलाइज किए, मतलब उसको पूरा अच्छा क्रियान्वयन करके एक एनर्जाइज वर्कफोर्स को लिया, जैसे कि मैं ऑफ कोर्स, और उसके साथ साथ इग्नाइटेड थॉट्स, मतलब जो विचार हैं वो विचार भी अच्छे ज्वलंत हो, उस पर काम किया गया और क्वालिटी डिलीवरी पे फोकस किया। हम अपने पूरे प्रोसेस को एक्चुअलाइज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं कि हम एक्सीलेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो पिनाकल ऑफ सक्सेस होगा, जहां यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेदा होगा, मतलब आयुर्वेद को दुनिया भर में हर कोई एक अच्छे मेडिसिनल सिस्टम के तौर पर पहचानेगा, मानेगा और इस्तेमाल करेगा, कि हमारा लक्ष्य है और हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अब हम जब बात करते हैं रिसर्च की, तो एक बहुत जरूरी है कि जो हम काम कर रहे हैं वो किस तरीके का कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो वो जो है ये एक हमारे रिसर्च स्ट्रेंथ के बारे में, कि जो हम काम कर रहे हैं हमारी शक्ति क्या है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, पर उसके साथ एक्रेडिशन कितने हैं। तो हर एक रिसर्च को करने के लिए अलग अलग रेगुलेशन होते हैं कि आपके पास किस लेवल की लैब है। जैसा आप बोलते हैं कि हमारे पास कपड़े कितने अच्छे हैं, ऐसे ही होता है कि आपकी लैब कितनी अच्छी है। तो वैसा ही है कि अगर आपके पास अच्छी लैब्स है तो इतने सारे एक्रेडिशन होने चाहिए। NABL लैब्स है हमारे पास, सरकार के जितने भी मानक हैं उन सबको हम फुलफिल करते हैं। बायोसेफ्टी लेवल 2 की जो बात होती है हम उस पर काम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, उनके साथ हम काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ा हुआ आयुर्वेदिक कॉलेज है लगभग, जहाँ 250 बेड्स हैं। एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ PG है लगभग 8 सब्जेक्ट में। 2500 मेडिकल डॉक्टर्स पूरे भारतवर्ष में हमारे रोस्टर पे हैं और लगभग 30,000 रोगी पतंजलि के चिकित्सालयों में रोज के रोज अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। उन सब का डेटा कंपाइल होकर एक जगह आता है और बहन जी लगभग 1 करोड़ पेशेंट का डेटा हमारे पास आज है कि जिन्होंने कौन कौन सी औषधियां ली हैं और किस तरीके से हमने उस पर काम किया है।
अभी आपने सुना था बहन बेतलिया जी से, जहां उन्होंने बताया कि हम हर्बल रिसर्च में क्या कर रहे हैं, योगा रिसर्च के बारे में आपने सुना हुआ था, पेंटिंग हर्बेरियम के बारे में उन्होंने थोड़ा आपको बताया होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के बारे में, औषधि का विकास और उसको आगे लेके चलने वाला काम, अनुसंधान एंड डेवलपमेंट। तो इसके भी बहुत बड़े बड़े पाथवेज हैं और कैसे क्या होता है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि आप ड्रग डिस्कवरी को 5-6 बड़े बड़े डिपार्टमेंट में बांट सकते हो। हम जो काम करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पूज्य आचार्य के निर्देशन में हम इनविट्रो बायोलॉजी पे काम करते हैं। जैसा आप सुबह अगर सुनते होंगे कि जो सेल लाइन ट्रायल्स हैं, जैसे पूज्य स्वामी जी हर बार बताते हैं कि हम सेल लाइन ट्रायल करते हैं, एनिमल ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, जो ह्यूमन पेशेंट पे किया जाता है। तो जो काम सेल्स में किया जाता है उनको हम इनविट्रो कहते हैं, मतलब सेल के ऊपर किया जाने वाला काम, और जो काम किया जाता है एनिमल्स में उसको हम इनविवो कहते हैं। तो एक सेपरेट टीम है जो इनविवो बायोलॉजी पे काम करती है, एक सेपरेट टीम है जो इनविट्रो बायोलॉजी पे काम करती है। और चूंकि हमारी सब औषधियां प्लांट से आती हैं, उनका हम डिटेल केमिकल एनालिसिस करते हैं जिसको हम हर्बल केमिस्ट्री कहते हैं। तो एक टीम उस पर काम करती है। माइक्रोबायोलॉजी के साथ जब हम काम करते हैं, जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जितने भी खांसी जुकाम बुखार वाली बीमारियां हैं उन पे काम करने की एक अलग टीम है जो माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू जाता है। और फाइनली हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च है, जहां हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं अलग अलग रोगियों के साथ। कुछ कुछ हमारे यहाँ जो योगग्राम में या फिर वेलनेस में है, या फिर जो हमारे अलग मेडिकल कॉलेजेस हैं, भारतवर्ष के लगभग 8 अलग अलग बड़े मेडिकल कॉलेज में, एम्स के साथ, टाटा मेमोरियल के साथ, मुंबई के 2 और बड़े सेंटर के साथ हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। उन सबका भी कंट्रोल या PRF से हरिद्वार से किया जाता है। ये थोड़े से स्ट्रक्चर्स हैं, फोटोज हैं, क्योंकि बहन जी ऐसा कहा जाता है कि एक पिक्चर 1000 शब्द के बराबर है, तो मैंने सोचा कि यहाँ लगभग 10-12 हजार शब्द चिपका दिए जाएं, तो आपको उतने सारे पिक्चर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कि जो इनविट्रो बायोलॉजी है वो ये रहा, इनविवो बायोलॉजी हम एनिमल पे काम करते हैं, हर्बल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड क्लिनिकल रिसर्च। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं कि हम जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो मैं आपको कह रहा था खिलौने हैं, टॉयज हैं, वो कितने सारे हैं, ये तो हमने कुछ ही दिखाए हैं। अगर आपको जब थोड़ा वक्त मिलेगा और कुछ प्लानिंग होगी तो कभी आपको लेबोरेटरी भी दिखाएंगे। और ये थोड़े से मैंने वीडियो लगाए हैं क्योंकि चलते हुए एनिमल बड़ा अच्छे लगते हैं। तो आप देखेंगे हम कौन कौन से एनिमल मॉडल्स पे काम करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे जहाँ मेरा कर्सर है, जहाँ आपको एक सुंदर सा वर्म चलता दिखाई दे रहा है, कुछ सांप जैसी स्ट्रक्चर है, इसका नाम सी एलिगेंस है। ये एक छोटे से कीड़े होते हैं, ट्रांसपेरेंट कीड़े होते हैं, ये लगभग आपके केंचुए के छोटे भाई होते हैं, और ये चलते भी बहुत एलिगेंट तरीके से, इसलिए इनका नाम भी एलिगेंस है। बगल में आप देख रहे हैं ज़ेब्रा फिश जो स्विम आउट हो रही है, यहाँ बगल में माइस दिख रहे हैं, ये अलग टाइप के चूहे हैं। अच्छा, रैट और माइस अलग अलग चीज होती है। घर में हम जो देखते हैं मोटे चूहे, पतले चूहे, वो ऐसा नहीं है कि वो छोटे चूहे थे, वो एनिमल भी अलग हैं, तो उन पे हम अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ माइस हैं, यहाँ रैट्स हैं, ये हैमस्टर्स हैं, ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये जो हाथ हिला रहे हैं अच्छे से, ये वैसे ऐसे हिलाते नहीं है, हमने खाली एक ऐसा कार्टून सा जनरेट किया है ताकि आपको लगे कि मेरे अलावा कोई और भी हाथ हिला रहा है आपको। तो ये यहाँ पे हैं, तो ये हैमस्टर्स हैं। ये गिलहरी से थोड़े छोटे होते हैं, इनकी पूंछ नहीं होती है, और बहुत क्यूट होते हैं और बहुत अच्छे से आपकी बात मानते हैं। इनके साथ हम बहुत सारा काम करते हैं। इसके साथ गिनी पिग्स भी हैं, चूहे से थोड़े बड़े होते हैं, इनकी पूंछ नहीं होती और इनको आराम से पाला जा सकता है। इनके और हमारे बायोलॉजी के बीच में बहुत अच्छा कोरिलेशन होता है, इस पे हम काम करते हैं। और फाइनली रैबिट्स हैं, रैबिट्स ऑफ कोर्स आप जानते हैं थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, इन पे भी हम काम करते हैं। तो इन सब ऑर्गेनिज्म पे हम काम करते हैं पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की लैब्स में। इनके अलावा हम डॉग्स के साथ काम करते हैं, मंकीज के साथ काम करते हैं, वो हम भारतवर्ष से बाहर करते हैं। हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट यूरोप में, कुछ एक्सपेरिमेंट चाइना में चल रहे हैं, जहां हम डॉग और मंकी ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो ऐसा वाला काम है, आयुर्वेद की रिसर्च इतने सारे एनिमल मॉडल्स में कहीं और नहीं होती। ये जो थॉट प्रोसेस, ये जो विजन है, ये पतंजलि संस्थान का ही है कि जो बेस्ट पॉसिबल है उसको हम आयुर्वेद के लिए इस्तेमाल करें, उसको यूज करके हम आयुर्वेद की स्थापना इस लेवल तक कर दें कि किसी को कोई भी शक या संशय या कोई भी सुभा ना रहे, जो है वो सच है, सबके सामने आए, और जो भी रिसर्च है उनका वैलिडेशन बहुत अच्छे तरीके से रहे। नाउ जब हम इन पर काम करते हैं तो करते किस पे, मतलब क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कौन सी बीमारी पे काम करना चाह रहे हैं। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा
दो तरीके के काम करने के तरीके, एक तो यह है कि हमारे पास आयुर्वेद की जितनी दवाइयां हैं लगभग 1000 के लगभग मेन दवाइयां हैं और 1000 मेडिसिनल प्लांट हैं, मोटे मोटे 2000 टेस्ट आर्टिकल हो गए। तो एक तो तरीका यह है कि हम एक एक दवाई को लें और चेक करें वो किस किस तरीके से किस बीमारी में काम कर सकती है, तो उसको बोलेंगे हम ड्रग ड्रिवन अप्रोच। दूसरा तरीका थोड़ा सा बेटर है और मोर एफिशिएंट है, वो है डिजीज ड्रिवन अप्रोच। मतलब हम बीमारी के हिसाब से काम करें, हम बीमारी के मॉडल्स डेवलप करें, बीमारी के ऊपर टेस्ट करना शुरू करें और फिर देखें कौन कौन सी औषधियां उसमें काम कर सकती हैं। तो ये दूसरा काम करने का तरीका हुआ, वो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आजकल हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं। तो जो 6 बड़े बड़े बीमारियों के गुट हैं, एक बिल्कुल कैविटी सी बनी हुई है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा बढ़ना, उन सबको मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं। कैंसर ऑफ कोर्स सब कुछ आप लोग समझते हैं। न्यूरोसाइंस मतलब कि ब्रेन की बीमारी, दर्द का ज्यादा कम्बड़ होना और इन्फेक्शियस डिजीज, जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनके बारे में। तो इन सबको अगर हम बिन करके देखें तो इतने सारे एनिमल मॉडल्स, इतनी सारी डिजीज पे हम यहाँ काम करते हैं और इनके बारे में आप काफी कुछ सुनते भी रहते हैं, पब्लिक डोमेन में भी हैं और बहुत सारे पब्लिकेशन भी इसके बारे में हम देखते हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो भी हम काम करते हैं, एक ये भी है कि जो फॉर्मुलेशंस हैं जो आचार्य और स्वामी जी बताते हैं, हम उनको अच्छे तरीके से तैयार करके एक नई मेडिसिन का निर्माण भी करते हैं। वो फॉर्मुलेशंस के बारे में आप काफी सुनते रहते हैं। लगभग 60 से ज्यादा नए ग्रिट सीरीज की दवाइयां हैं, मतलब दवाइयां जिनके लास्ट में ग्रिट लिखा हुआ है, वो सब नई पिछले 4 या 3 साल में ही बनाई गई हैं। ग्रिट का मतलब आप लोग समझते हैं, ग्रिट मतलब जुझारूपन, मतलब आप एक तरीके से दवा देके शरीर के उस अंग को ज्यादा जुझारू बनाते हैं बीमारी से लड़ने के लिए। जो दवाई है वो किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, कोई भी दवाई भी, अंग्रेजी दवाइयां बीमारी को ठीक नहीं करती, हमारा शरीर ही बीमारी को ठीक करता है। और जब हम दवाइयां देते हैं तो हम अपने शरीर को पावर देते हैं, जैसा आप योग से करते हैं ना, जब बहुत अच्छा योग करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो वो जो स्वस्थ रहने का प्रोसेस है, जो ग्रिट है, वो हमारे शरीर के अंदर नेचुरली होती है। तो जो हमारी नई औषधियां हैं वो उसी ग्रिट को आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए आप देखते हैं लीवो ग्रिट, रीनो ग्रिट, कार्डियो ग्रिट, इतने सारे ग्रिट हैं, कुछ आपके सामने इस कागज पे भी छपे हुए हैं। तो ये जो ग्रिट सीरीज की मेडिसिन है वो भी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने पिछले 4 या 5 साल में 60 से ज्यादा नई दवाइयां डेवलप की हैं। और जो भी हम काम करते हैं हम उन सबको पब्लिश कर देते हैं, मतलब कि जो रिसर्च है, जैसे भी आदरणीय दीदी जी बता रही थी कि दुनिया के बाहर, मतलब पूरे दुनिया में, भारतवर्ष के बाहर भी सब जगह पतंजलि की रिसर्च का अब एक्सेप्टेंस है और उनके बारे में जो भी लोग बात कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो ये कुछ पेपर्स हैं जो आप देख रहे हैं, जो थोड़े से साइंटिफिक ज्यादा हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, पर आप फिर भी देख लीजिए कि ये कैंसर के बारे में है, ये केमिकल करेक्टराइजेशन के बारे में, कि दवाइयों के अंदर नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड है, क्लिनिकल रिसर्च के बारे में कि दवाइयां ह्यूमन में कैसे काम करती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में है। इन्फेक्शन के नाम पे याद आया, सबसे बड़ा इन्फेक्शन आपने पिछले 4-5 साल में कौन सा देखा था? कोरोना। तो कोरोना जो सब इन्फेक्शन के पितामह हैं, उनको भी आयुर्वेद के थ्रू कोरोनिल के माध्यम से हमने पकड़ पकड़ के लेटा लेटा के पीट पीट के मारा था, और उन सब का पब्लिकेशन भी आप देखिए सामने यहां दिखाई देता है। इन्फ्लेमेशन जिसे हम सूजन के बारे में कहते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन हो वो इन्फ्लेमेशन के तौर पर दिखाई देती है, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे स्किन हो, इंटेस्टाइन हो, अलग अलग टाइप की जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उन पे हम काम करते हैं। और आयुर्वेद की हमारी जितनी दवाइयां हैं, कुछ स्वामी जी लगभग रोज ही बताते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन रोधी है, और वो इफेक्ट लगभग हमें सब जगह दिखाई देता है। और आप देखेंगे उसके ऊपर हमारे पब्लिकेशन सबसे ज्यादा हैं। दुनिया भर में जितना भी काम हो रहा है इन्फ्लेमेशन को लेके, आयुर्वेद की दवाइयां हम बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करती हैं और कंट्रोल करती हैं। तो अगर हम देखें कलेक्टिवली पूरे रिसर्च का जो अभी काम चल रहा है, लगभग 105 से ज्यादा बड़े इंटरनेशनल पब्लिकेशन पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने अब तक पब्लिश करे हैं, जो एक बहुत बड़ी वाली बात है। क्योंकि जैसे बहन जी बता रही थी कि एक इनोवेशन को लेके एक एक संस्थान बहुत दिनों तक ढोल बजाते रहते हैं। हमारे साथ आजकल बहन जी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, मतलब हम पे इतने सारे ढोल हैं, हम क्या क्या बजाएं तो जब बहुत ज्यादा हो तो फिर हम हर चीज को बता रहे होते हैं कि अब ये 105 ढोल हैं। अब आप देखिए एक एक इंस्टीट्यूट में, जैसे हम बात करें आईआईटीज में,
आईआईटी बगल में हमारे आईआईटी रुड़की, उनका बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लगभग 60-70 प्रोफेसर वहाँ काम करते हैं और लगभग 50 साल पुराना डिपार्टमेंट है। वो पूरा डिपार्टमेंट भी कलेक्टिव तौर पे साल भर में कितने पेपर छापता होगा आप अगर सोचेंगे तो 30 करने के बाद वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, दे गेट वेरी हैप्पी कि उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए। आप ये देखेंगे हम उनसे बहुत आगे चल रहे होते हैं, उनका सिर्फ फोकस रिसर्च है, हमारा काम डेवलपमेंट भी है और ये बताना कि दवाइयां हमारी काम कैसे कर रही हैं। तो कलेक्टिवली पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के सभी वैज्ञानिकों के लिए एक ताली बजा देते हैं। अब हम जो काम कर रहे हैं, जैसे हम 105 पेपर की बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं, हम उन्हें जहाँ पब्लिश कर रहे हैं वहां कहाँ कर रहे हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई न्यूज अगर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में आती है या कोई एक लोकल अखबार हो, प्रधान संपादक अखबार, समथिंग समथिंग जो भी नाम हो, उसके मुकाबले आप एक बड़े अखबार को वैल्यू करते हैं, वो ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। ऐसे ही साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जो आपके जर्नल्स हैं जहां पब्लिश कर रहे हो उनकी क्वालिटी भी तय की जाती है और जर्नल की क्वालिटी आप नापते हो उसके इम्पैक्ट फैक्टर से कि कितना बड़ा जर्नल है। तो अगर इम्पैक्ट फैक्टर 1 या 2 से ज्यादा है तो मतलब आपका जर्नल साइजेबल बढ़िया है। आपको ये जान के बहुत खुशी और गर्व होगी कि जो हमारे टोटल इम्पैक्ट फैक्टर इन काम के वो 500 से ज्यादा जा रहे हैं और जो एवरेज इम्पैक्ट फैक्टर है वो 4.5 है, जो एक बड़ी वाली बात है कि एक साइंटिफिक रिसर्च में आप उस लेवल पे काम कर रहे हो जो विश्व स्तरीय है और जिसका काम लगभग सब जगह अच्छे तरीके से देखा जाता है। अब बात आती है जिस जहां से मैंने शुरू की थी, जो मैं कह रहा था ना रिवर्स इज द न्यू वे फॉरवर्ड, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे, है ना, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। तो रिवर्स इज द न्यू वे फॉरवर्ड मतलब क्या हुआ, वापस आना ही एक नई सोच हो सकती है। तो अगर आप देखें जो फार्मा इंडस्ट्री में दवाइयां बनते हैं, आप लोगों को कुछ को आइडिया होगा जो हम दवाइयां खाते हैं, जैसे कि आपने खाई होगी क्रोसिन, पैरासिटामोल और बहुत सारी, कितनी सारी दवाइयां, राइट, वो सब दवाइयां बनाने का तरीका है, उनका एक पाक है कि एक केमिस्ट बैठ के कोई कंपाउंड ढूंढेंगे, फिर बायोलॉजिस्ट बैठ के उसको टेस्ट करेंगे, फिर उनका क्लिनिकल ट्रायल होगा। इस पूरे प्रोसेस में एक नई दवाई को फार्मा के थ्रू आने में लगभग 10 साल लग जाते हैं, 10 साल एक ड्रग को आने में, और कम से कम $10 बिलियन का खर्चा आता है और वो भी गारंटेड नहीं है, हो सकता है ड्रग किसी टाइम पे जाके फेल हो जाए, वो आगे मार्केट लॉन्च में कभी पहुंचे ही नहीं। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिचुएशन है, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन कम होती है, हम लोग थोड़े वहां पे अलग तरीके से अपनी कमाई की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो जो बेसिक तरीका है वो बहुत लंबा है, खर्चा वाला है और रिस्क बहुत ज्यादा होता है। वो क्यों है, क्योंकि आप काम करते हो मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल बनाते हो, उसे टेस्ट करते हो एनिमल्स में, माइस में, और बाद में जाते हो मैन में, ह्यूमन में। ये एक नॉर्मल कन्वेंशनल फॉरवर्ड पाथ है, एक कंपाउंड बना रहे हैं, एनिमल में ट्राई कर रहे हैं और मैन तक लेके जा रहे हैं, जो एक्सपेंसिव वाला काम है। पर आयुर्वेद में हमें क्या फायदा है कि आयुर्वेद में हमारे पास मैन का डेटा ऑलरेडी है, मतलब कि हमारी दवाइयां, हमारे पौधे पिछले 2500 साल से, 3000 साल से ऑलरेडी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं, सब लोग खा रहे हैं, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, ये सब पौधे आप घर में खा रहे हैं, हल्दी को आप सालों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये दवा इंसानों में अच्छा काम करेगी। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें 2 स्टेप पीछे जाना है, हमें मैन से माइस में जाना है और माइस से मॉलिक्यूल में जाना है और ये बताना है कि दवा काम कैसे करती है। वही हमारा कोर कॉम्पिटेंसी है जिस पे आजकल हम फोकस करते हैं कि हम बता पा रहे हैं कि हमारे पास ये दवा है, गिलोय खा के बुखार कम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसके अंदर जाके ये वाले मॉलिक्यूल चेंज होंगे, शरीर के अंदर ऐसे ऐसे चेंज आएंगे जिसकी वजह से जो भी एडवर्स इफेक्ट है वो कम रहेंगे और एफिकेसी मतलब दवा का अच्छा इफेक्ट बढ़िया वाला आएगा। बात सबको समझ में आ गई, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि रिवर्स फार्माकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे डिपेंडेंट करता है कि हमारे पास क्लिनिकल डेटा अच्छे हैं, हमारे ऋषि, हमारे मुनि बहुत साल पहले बता गए ये दवा इस डोज पे इस इंसान में काम करेगी, हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो दवा काम कैसे कर रही है। हम जो दवा खा रहे हैं, एक बार हमारे मुंह के अंदर दवा चली गई, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, अंग्रेजी दवाई हो, यूनानी हो, कोई सी भी हो, हमारे शरीर को पता नहीं होता, ये हमारा ब्रेन जानता है कि हमने दवा कौन सी खाई है, अंदर जाके सिर्फ बायोकेमिस्ट्री काम करती है, दवा के अंदर जो कंपोनेंट हैं वो जाके हमारे शरीर पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं कि हम ठीक होने लगते हैं या फिर उनके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, दोनों इफेक्ट हुए ना, अच्छे भी इफेक्ट और खराब भी इफेक्ट। तो वो जो बायोकेमिस्ट्री काम करती है वो तय करती है कि दवा काम कैसे कर रही है। आयुर्वेद के क्षेत्र में पिछले 200 सालों से लगभग ये गैप रहा था,
कि हमारी दवा काम करती है हमें पता है, पर हम किसी और को ये नहीं समझा पा रहे थे कि भाई ये दवा काम कैसे कर रही है। तो पिछले 200 साल का जो गैप है वो आने वाले लगभग 3-4 साल में हम पूरा भर देंगे, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन रहेंगे कि हम बता पाएंगे दवा काम कैसे। तो ये मेरी लास्ट स्लाइड है जहां मैं ये बताने वाला हूं कि जो अभी बेस्ट तरीका है बैलेंस करने का, कि कैसे हम चीजों को आगे लेके जा सकते हैं और ड्रग डिस्कवरी का जो बेस्ट बैलेंस तरीका है वो कौन सा है। आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल में खास बात क्या है कि जब आप इसकी किसी एक भुजा पे आंख रखते हो और आगे बढ़ने शुरू करते हो, आप लौट के भाई आते रहते हो और बीच बीच में इम्पॉसिबल सा लगता है। तो आप ये देखेंगे ये जो ट्रायंगल है ये एक बहुत बैलेंस ट्रायंगल है। इसके सबसे ऊपर आप देख रहे हैं आयुर्वेदा है जो हमारे ट्रेडिशनल विजडम को डिफाइन करता है।